A very warm welcome to another session of Sprint Nine, 2021. Today we are going to get started with our second chapter of Geography: Physical Features of India. With me, Ankana, your Master Teacher for Social Sciences, at vidanta Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. So, guys, let's get started without wasting any time. This is a list of the topics that we are going to revise for this chapter. So, in this chapter, we will cover all these things, pretty much everything.

शुरू करते हैं ठीक है डो नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन क्योंकि आई एम श्योर आप स्प्रिंट का बहुत uh, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब जब शुरू हो गया है तो शो योर लव शव योर लव आई मेक श्योर टू कीप शेयरिंग द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट इट हेल्प्स देम आउट इज वेल और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि भी बहुत सारे सेशंस आने वाले जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा हुआ है वो सब कुछ भी मिस ना हो जाए इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा ठीक है थीके? तो शुरू करते हैं पिछले सेशन के होमवर्क क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ द ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री ट्वेंटी मिनट्स ईस्ट इसमें शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बट बच्चों दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ठीक है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारा जिसके हिसाब से हमारा पूरा स्टैंडर्ड आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो फॉलो होता है नाउ क्विक लुक एट द लीडर बोर्ड for Anarthism and the Rise of Hitler Session 2. Raghav Dhingra, Pranav Prabhas, Gagan Vashisht, Shubhi Dubey and Aman Kumar have made it to the leaderboard, which I'm super proud of. My heartiest congratulations to all of you. जिन लोगों का नाम यहां मिस हो गया है दो चीजें करनी है याद रखना है कि कमेंट सेक्शन में ही डालना है आपका कमेंट आपका आंसर और दूसरा ये कि सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे ही सेशन शुरू हो आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए आप कुछ मिस ना कर दो ठीक है चलो तो शुरू करते हैं हम बहुत ही बढ़िया से कोटेशन के साथ इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन बीटर्सन हुसन गिवन अप हैज ऑलरेडी लॉस्ट द गेम अगर आपने अभी गिव अप कर दिया है तो आप कंपटीशन में हो ही नहीं तो आपको बीट करना कैसा आसान नहीं होगा करेक्ट सो गोस दिया अगर आप कभी गिव अप ही नहीं कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना ट्राई कर रहा है ही नोज दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू विन द रेस सो जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप गोइंग यू स्टे मोटिवेटेड एंड यू कीप

असम में कौन सी नदी बहती है ब्रह्मपुत्र सिर्फ असम में ही तो बहती है है ना तो ये वहीं पे है इन फैक्ट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस आइलैंड इज दैट इन 2016 इट वाज ऑफिशियली सॉरी ऑफिशियली डिक्लेय टू बी अ डिस्ट्रिक्ट उसके पहले ये ऑफिशियली एक डिस्ट्रिक्ट नहीं था एंड इनफैक्ट दर्स्ट आइन डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो ये है हमारा पहला वन मार्क क्वेश्चन जिसे हमने फटाफट -फड़ कर लिया है सॉल्व लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन बर्चंस आर फाउंड इन विच रीजन पहले ये समझने के हम ये समझते हैं कि बर्चन क्या होते हैं बर्चंस आर बच्चा क्रिसेंट क्रिसेंट मून होता है ना उसी क्रिसेंट शेप के सैंड ठीक है तो ऐसे होते हैं ये देखो ऐसे से बने होते हैं मेरी ड्राइंग काफी खराब है काफी खराब है तो आप ऐसे समझो कि ऐसे ड्यून्स होते हैं एंड ऑल्सो आई कैन शो इट इन टू यूर यून तो इस तरह से इस शेप के होते हैं ठीक है बट ये क्या है ड्यून्स है सैंड ड्यून्स कहाँ मिलेंगे हमें रेगिस्तान में सो so, हिली रीजन प्लाटूस प्लेन्स डिजर्ट्स हिली रीजन में हिल्स होते हैं प्लाटूस और लैंड्स ठीक है प्लेन्स तो प्लेन है तो क्या बचा डेजर्ट डेजर्ट रीजन यहीं तो समझना बहुत जरूरी था वो हमने कर लिया है मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विच प्रोसेस लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स रिलीफ ऑफ इंडिया कहीं की भी चाहे वो दुनिया की किसी भी हिस्से की रिलीफ की लैंडफॉर्म की बात हो रही हो एक जनरल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हर एक चीज जाती है वो होता है आपका वेदरिंग का वो होता है आपके सॉइल के इरोजन का वो होता है आपके डिपोजिशन का सेडिमेंटेशन का ये सारे प्रोसेस जब मिल करके होती हैं तो होती है रिलीफ की फॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट है सो बेसिकली इवन इन इंडिया के लाइक वेदरिंग इरोजन एंड डिपोजिशन लेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट लैंड फॉर्म्स रिलीफ एंड मॉडिफिकेशन So, these are the processes which are actually responsible, I would say, for the present relief of any place. Any place. Now, what will be responsible for your relief, for your success? It would be Vedantu Pro subscription.

आपको पता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है उसके साथ ही मिलेगा हैंड रिटन मास्टर टीचर का नोट आप सब कुछ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो आपके जितने सवाल हैं सब क्लास में ही रिजॉल्व हो जाएंगे और उसी के साथ शेयर होंगी बहुत ही क्वालिटी टेस्ट्स एंड असाइनमेंट्स विद यू गाइस एंड ऑल द माइक्रो कोर्सेस एंड क्रैश कोर्सेस गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू व्हिच इज गोइंग टू मेक लेस अ मोर विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो मैशन इन द कॉमेंट सेक्शन पिंड है वहां पे लाइव चैट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा यू कैन ऑल्सो गो ऑन वी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश वाई टी प्रो आप यहाँ पे भी जा करके ये कोड लगा के बहुत सारा डिस्काउंट लेके कर सकते हो वेदांत प्रो सब्सक्राइब एंड इफ यू एक्चुअली डू द कैलकुलेशन इट विल कम टू इलेवन रुपीज एंड ट्व रुपीज फॉर वन मंथ एंड टिल मार्च विच इज ऑलमोस्ट टू मंथ रेस्पेक्टिवली फॉर ईच सेशन विच इज सुपर ऑसम बहुत ही अमेजिंग ऑफर है ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेंड है कॉमेंट सेक्शन में ये कोड है

पूरी जो अर्थ की सरफेस है वो डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है ठीक है उनमें से सेवन हमारे मेजर प्लेट्स है बड़े प्लेट्स हैं ठीक है थीके? और बाकी जो है प्लस सब माइनर प्लेट्स कुछ छोटी 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 प्लेट्स भी हैं अब क्या होते हैं जो भी प्रोसेस होती हैं, अब क्या हो रहा है अर्थ मूव कर रहा है ठीक है जब मूव कर रहा है तो अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो रहा है बिकॉज कोर में हीटिंग चल रही है बहुत ज्यादा कुछ भी जब हीट होता है तो वो लाइट होकर राइज अप करता है आप देखो दूध जब बॉयल करते हो पानी जब बॉयल करते हो वो ऊपर क्यों आता है हीटिंग हो रही है ना अंदर इट्स राइजिंग आप ठीक है एयर uh, भी हमें पता है कि हॉट uh, होकर के ऊपर राइस करता है तो वैसे ही जब मोल्टन लावा जो है uh, अंदर जो लावा है वो भी राइस करता है उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए ठंडा लावा जाता है ये रिप्लेसमेंट चल रही होती है अंदर मूवमेंट चल रहा होता है जो कि ऊपर सरफेस पे प्रेशर डाल रहा होता है और ये प्लेट्स उस वजह से करती है मूव ठीक है अब इनकी मूवमेंट होती है तीन तरह से किस तरह की मूवमेंट बेसिकली uh, तीन तरह से मूव नहीं करती है द मूवमेंट लीड्स टू रिजल्ट इन थ्री थिंग्स ठीक है सो मूवमेंट लीड्स टू वॉट मूवमेंट लीड्स टू फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड समाइम्स वॉल कैनो वॉल कैनिक एरप्शन तो ये सारी चीजें भी हो जाती है कई बार वॉलकैनो फट करके निकल आता है बाहर ठीक है लावा सारा बाहर चला आता है क्योंकि उनसे ही प्रेशर की वजह से ये प्लेट्स मूव कर रही थी और ये मूव कर जाती है और वो बाहर निकल आता है एंड दे फॉर्म फ्यू बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट लैंड की कुछ फॉर्मेशन होती हैं कन्वर्जन बाउंड्री ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या फिर डाइवर्जन बाउंड्री ये सब डिटेल में समझ लेते हैं फटाफट थ्री मार्क का क्वेश्चन है तो ये एक्सप्लेन करना वुड मेक सेंस राइट सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म आउट ऑफ सेवन मेजर जैसे मैंने

डायवर्ज इन बाउंड्री वन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड फॉल्टिंग मूवमेंट बच्चा जब धक्का पड़ रहा है तो या तो वो कन्वर्ट कर जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगी या फिर प्रेशर इतना पड़ रहा है कि जुड़ नहीं पा रही है तो ऊपर नीचे हो जाएंगी या फिर अलग चली जाएंगी ठीक है डाइवर्च कर जाएंगी तो जब डाइवर्च कर रही है तो फॉल्टिंग हो जा रहा है गैप आ जा रहा है डाइवर्ट हो गई अलग डायरेक्शन में और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म ठीक है ट्रांसफॉर्म क्या होता है इन दिस इवेंट ऑफ कमिंग टूगेदर दे मे कोलाइड और मे स्लाइड अंडर ईच अदर अभी देखो कन्वर्च करके मिल गई तो भाई कन्वर्जन बाउंड्री हो गई डाइवर्ज करके अलग हो गई डायवर्जन बाउंड्री हो गई एक बार आप दोनों आपस में अगर घिस रही हैं तो या तो ये इसके अंदर चला जाएगा या ये इसके अंदर चला जाएगा सो इट अंडर और ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे दिल में एक एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करके सो दैट इज योर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तो ये तीन तरह की फॉर्मेशन होती है ऑफ द प्लेट्स विद मूवमेंट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच थ्री रिवर्स सिस्टम फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ये तो पता होना चाहिए ये बहुत सिंपल सा सवाल है ड्रेनेज सिस्टम में भी हमें पता चलेगा इंडस ब्रह्मपुत्र एंड गंगा और गैंजटिक और गैन्ज प्लेन वट एवर ये तीन रिवर्स हैं उनके मेन मेन फीचर्स फीचर्स अगर हमें हमें मेंशन करना है देखो ब्रह्मपुत्र ना सिर्फ आसाम में है ठीक है और किसी स्टेट में फ्लो नहीं करता ही इनफैक्ट हमने देखा ना अभी हमने मजोली की बात की थी आ, कि एक रिवरीन आइलैंड है तो ब्रह्मपुत्र में ना हमें सबसे लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड देखने को मिलते हैं सो so, लार्जेस्ट रिवर्स में जो आइलैंड होते हैं बच्चों रिवरीन आइलैंड उन्हें कहते हैं रिवरीन आइलैंड आपको विटनेस करने को मिलेंगे ब्रह्मपुत्र में उसके बाद हो गया गंगा गंगा हमें पता है कॉन्फ्लुएंस से फॉर्म होता है ठीक है थीके? Uh, भागीरथी और दूसरा रिवर आपको बताना है कहां उत्तराखंड में कॉन्फ्रेंस फॉर्म होता है इनका फिर वहां से बहना शुरू करते हैं कई सारे स्टेट्स में बहते हैं उत्तराखंड हो गया यूपी हो गया बिहार हो गया uh, वेस्ट बंगाल भी जाता है उसके बाद फाइनली इट फ्लोज डाउन इनटू बांग्लादेश और वहां से ड्रेन आउट हो जाता है बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र भी आसाम के थ्रू तिब्बत से शुरू होकर के आता है मानसरोवर से आसाम के थ्रू एंटर करता है इंडिया एंड देन देली फ्लोज इन टू बांग्लादेश एंड देन इंटू बे ऑफ बंगाल तो ये ब्रह्मपुत्र और गांजेस की बात हो गई इंडस इंडस का मेजर मेजर ठीक है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है बट इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि नॉर्दर्न साइड में जम्मू एंड कश्मीर के पास उसे ज्वाइन करती है और इंडस भी शुरू होता है तिबित में तो दिस इज दीज आर फ्यू मेन फीचर ऑफ दीज रिवर्स द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया बाई द इंडर प्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम कॉल्ड इंडस गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र द रिवर इंडर्स एंड एक्सट्रीब्यूट इज फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दन प्लेन ठीक है ये देखो वेस्टर्न पार्ट को फॉर्म कर रहा है और नॉर्थ में ये ज्यादा ठीक है वेस्टर्न क्यों फॉर्म कर रहा है क्योंकि अल्टीमेटली इट हैजू गो इन टू पाकिस्तान ठीक है सो विच इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन पंजाब वाले एरिया को द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान मेजर चंग जो है वो पाकिस्तान में ही लाई करता है देन वी हैव गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीसता रिवर्स इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हरियाणा यूपी बिहार डेली एंड पार्टली ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बेंगाल और फिर ब्रह्मपुत्र है जो कि मेनली आपका असम में है प्लेन्स की क्योंकि बात हो रही है इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया है मूविंग ऑन टू टू क्वेश्चन नंबर व्हाट आर पूर्वांचल मेंशन फीचर्स ऑफ हिल्स बच्चा ये हिमालय का ही हिस्सा है ठीक है अब हिमालयास का हिस्सा है वो ठीक है बट पूर्वांचल क्या होता है देखो पूर्व पूर्व का मतलब होता है वैसे एंशियंट भी होता है बट पूर्व या पूर्व पूर्व का मतलब होता है ईस्ट हिंदी में ठीक है आपने सुना होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सो बच्चा पूर्व पूर्व या पूर्व का मतलब होता है ईस्ट यानी कि ईस्टर्न साइड पे लाई करती हैं ये हिल रीजन्स तो ये पूरा का पूरा जो आपका रेंज है ये हिल हिल रेंजेस जो है ये लाई करती हैं आपकी हिमालयस के ईस्टर्न वाले पार्ट पे यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिल्स हैं ठीक है ठीके? जैसे कि आपका गारो खासी खासी ठीक है नागा मिजो ऑल हिल्स आर फाउंड ओवर हियर ठीक है लेकिन इसके अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थिक यू uh, नो you know, थिक एंड डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है हमें बट दैट इज नॉट वेरी यूनिक आई मीन इतना अच बोलिस अमेजिंग और अम्यूजिंग फैक्टर नहीं है ये माउंटेन्स है माउंटेन्स में हमें डेंस फॉरेस्ट वैसे भी देखने को मिलते हैं ठीक है बट ये माउंटेन्स स्पेसिफिकली किस टाइप के हैं तो बच्चा दीज आर स्ट्रोंग सैंड स्टोन्स एंड सेडिमेंट्स तो ये कुछ फीचर्स है इन माउंटेन्स की ठीक है सो माउंटेन्स ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया आर आर कॉल्ड पूर्वांचल पूर्वांचल सम ऑफ ऑफ द द द इंपॉर्टेंट पटकाई और नागा हिल्स इन द नॉर्थ द मीजो हिल्स इन द साउथ एंड द जयंतिया खासी एंड गारो हिल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फीचर्स आर पूर्वांचल हिल्स कंप्राइजेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन एंड सेडिमेंट्स एंड दे आर ऑल्सो कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट थिक फॉरेस्ट ओके आपको लग सकते हैं। हम जल्दी जल्दी से पहले कर लेंगे। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स टू ईस्टर्न घाट्स टू हाइट शेप कॉन्टीन्यूटी रिवर्स एंड वेजिटेशन देखो सबसे पहले अगर कोस्ट लाइन की बात करें इंडिया की ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को इंक्लूड करते हुए काफी लंबा कोस्ट लाइन है आई थिंक सिक्स थाउजेंड आई एम नॉट एबल आई एम नॉट वेरी श्योर द नंबर आई एम मिसिंग ऑन द नंबर लेकिन हाँ काफी लंबा कोस्ट लाइन है लेकिन काफी वेरिएशन है वेस्ट uh, वेस्टर्न घाट्स में एंड ईस्टर्न घाट्स में ठीक है अब वेरिएशन की बात करते हैं मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मुझे लिखने में बनेगा ठीक है यहाँ पे क्या है वेस्टर्न घाट्स में आप संभाव देखोगे ना एल्टीट्यूड वेरिएशन ज्यादा है और ये ज्यादा हाई भी है ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे वेर आज ईस्टर्न गार्ड्स आर नॉट सो हाई इसकी वजह से क्या होगा कोई चीज अगर बहुत ऊंची है तो उसका स्लोप काफी स्टीप होता है तो इसलिए हमें यहाँ पे ना स्टीप स्लोप्स देखने को भी मिलते हैं यहाँ पे स्लोप्स इन ईस्टर्न घाट्स आर नॉट सो नॉट सो स्टीप इतना भी स्टीप यहाँ पे हमें स्लोप्स नहीं मिलता है फिर अगर वेस्टर्न घाट की बात कर ले तो बच्चा ये ना कॉन्टिन्यूस होते हैं ठीक है दीज आर कॉन्टिन्यूअस बट दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस तो ये आप ना पासस के थ्रू पासिस के थ्रू कॉन्टिन्यूसली जो है यू कैन गेट थ्रू बट यहाँ पे जो है कभी रिवर्स से डिस्ट्रप्ट हो जाता है कभी किसी चीज से डिस्टर्प हो जाता है तो इट इज लॉट डिस्ट्रप्टेड अगर फॉरेस्ट वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे एवर ग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है ठीक है एवर ग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें मिलते हैं स्क्रब वेजिटेशन ठीक है उतना ज्यादा फर्टाइल शायद नहीं है जितना वेस्टर्न घाट्स है ठीक है नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द आंसर्स इन टर्म्स ऑफ हाइट द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज 900 टू 1600 मीटर दिस इज बेसिकली द एल्टीट्यूड के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ठीक है सो द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन इज अनायमुडी अनायमुडी विद द हाइट ऑफ 2659 मीटर्स बच्चा ये नाम याद रखना दिस इज इंपॉर्टेंट the eastern ghats are lower in height with a 600 meter average height. Mahendragiri, which is 1501 meters, is the highest peak in eastern ghats, a clear difference of 1000, actually 1100 1,100 meters in the highest peaks. so the average so to slope a height, high altitude, in eastern ghats ki kam hai, which will naturally result in slope. so the western ghats would have a steep slope because the height would increase from north to south. but eastern ghats mein, there are gentler slopes. द डिफरेंस हमें फील नहीं होती इतनी स्टीप फील नहीं होती है कंटिन्यूटी इसकी ज्यादा है एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासस ओनली कंटीन्यूअस है ना एंड द ईस्टर्न घाट्स आर इररेगुलर एंड डिस्कंटीन्यूअस एंड आर डिसेक्टेड बाय रिवर्स डिसेक्टेड बाय रिवर्स रिवर्स सिथ डिवाइड हो जाते हैं ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच नहीं है ये अगर ऐसे बह रहा है तो शायद ईस्टर्न घाट ऐसे होंगी फिर ऐसे होंगी फिर ऐसे होंगी ऐसे होंगी इस तरह से ठीक है नाउ रिवर्स द वेस्टर्न कोस्ट इज द सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पैंड इंडिया जैसे कि uh, बहुत सारे रिवर्स हैं ठीक है दे फ्लो टू वेस्टर्न घाट्स बट रिवर्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ एंड द रिवर्स फ्लो स्मूदली

अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ठीक है यही हमारे आइलैंड्स है जो दो ग्रुप्स है नंबर वन एंड नंबर टू फटाफट इनके फीचर्स की अगर बात करें तो क्लोजर क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला क्योंकि ऑलरेडी देखा हुआ है द ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स है इट कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 टू किलोमीटर स्क्वायर दैट इज इट बहुत छोटा ठीक है वर नोन एज लैकडाइव मेरी सॉरी एम

बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ये एक इलांगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स आइलैंड्स दिस इज अ चेन ऑफ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल व्हिच इज ऑन द ईस्टर्न साइड सो वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप ईस्ट में हमारा अंडमान एंड निकोबार सो बंगाल बे ऑफ बंगाल में एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो बे ऑफ बंगाल में इस तरह से नॉर्थ टू साउथ ऐसे एक्सटेंड करते हुए आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स का ट्रेल दिखाई देगा दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड यानी कि ज्यादा आइलैंड्स है यहाँ पे

These entire group of islands is divided in two broad categories: the Andaman in North and the Nicobar in South. So basically, Andaman and Nicobar Andaman and Nicobar Islands. Okay, these islands group are uh, of uh, uh, great strategic importance for the country. And these islands lie close to equator and experience equatorial climate and has a thick forest cover. Also, they have great diversity of flora and fauna. but that will be a case in any of the islands. Flora and fauna is well flourished or rich hoti hai.

इसी के साथ अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है Pinned the comment section ANKPRO is my code, make sure to use it and do not forget to hit the like button my dear students, make sure to share the video as much as possible, help your friends as much as possible and stay subscribed, stay tuned for another sessions, I will see you guys very very soon, till then stay home, stay safe and take good care of yourselves, bye bye, have a great evening ahead, good night.